विश्व की तरह आज भारतवर्ष में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस समय मोदी को जम्मू के ईदगाह में ठीक कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ईद की नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आज पूरे भारतवर्ष की बात करें तो वहाँ पर जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं जम्मू की ईदगाह की जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो ईद की नमाज जो है वो यहाँ पर अदा कर रहे हैं। फिर सबको बता दें कि इस ईद के दिन जो है लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं, साथ ही ईद के दिन जम्मू के ईदगाह से जो है वो इस समय दिखाई दे रहे हैं। أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مسجد المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على مولى عز وجل وتقوى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لا تردوا عن المجرمين لا تردوا عن المجرمين اللهم انصر من نصر دين محمد त्यौहार आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया गया और सभी मस्जिदों और ईदगाहों में जो प्रेयर्स पड़ी थी बहुत पीसफुली पूरा प्रोसेस रहा और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छे रहे, काफ़ी खुश नज़र आए हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत ही पाकिस्तान त्यौहार है जो पूरी खुशी भाईचारे और चैन उमन के साथ मनाया जाए। जो हमारी बड़ी ईदगाह है यहाँ पर ही और पूरे जम्मू प्रोविंस में इस तरह से ईद जो है वो खुशी से मनाई जा रही है। सब लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है, आज कुर्बानी की ईद है, सबके लिए बड़ी खुशी का और मसरत का मौका है और ये सबके लिए खुशियाँ लाए, अमन लाए, हमारी सबकी तरक्की हो और एक आपसी भाईचारा बरकरार रहे, ऐसी मेरी सबसे अपील है। और मैं कामना करता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग है, हमारे जम्मू कश्मीर है वो आगे बढ़ेगा, शांति का राह भी आगे बढ़ेगा और सब लोग जो है उनकी अपनी जो मनोकामनाएं जो है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो अच्छा अब सब भाई गले मिलो, गले मिलो, हाँ हंस के हंस के मोहम्मद क्या है आज और क्या करती है आज के दिन पे? आज के दिन इसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं जिसको हम बहुत खुशी से मनाते हैं। इधर लोग मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और लोगों के लिए दुआ करते हैं, तो जब लोगों के लिए दुआ कर दी तो घर में जाके ये जो आज मतलब कि ईद का मतलब है बकरा हलाल करना, तो इधर मतलब बेडू बकरा दुम्बा जो भी हो ये हलाल करते हैं
तो हलाल करने के बाद ये अपने आस पास लोगों में बांटते हैं, लोगों में बांटने के बाद तो ये फिर आगे मतलब की दुआ पढ़ाते हैं, दुआ की दुआ करते हैं। आपने नमाज पढ़ी, क्या दुआ की रियासत के लिए? मैंने की कि सब ठीक रहे, खुशहाल रहे, अच्छी तरह अपनी जिंदगी बसर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर जम्मू में बड़ी अमन और सादगी के साथ ईद मनाई है और मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि जल्द ही कश्मीर में कर्फ्यू हटा दिया जाए ताकि सब ईद अच्छे अमन और सादगी के साथ मना सके और अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि जल्दी अल्लाह उसको दुनिया की जन्नत बना दे। ईद के मौके पर सबसे पहले हम ईद मुबारक पेश करते हैं, उसके बाद हम दुनिया में बसने वाले इंसानों और ख़ासतौर पर पहले मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम लोग हर हाल में हर घड़ी में अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ देते हैं फिर अल्लाह हमसे नाराज़ होता है और जब अल्लाह नाराज़ होता है तो फिर हमारे लिए खैर के फैसले नहीं आते हैं। इसलिए जैसे हम ईद के मौके पर हर तरह के अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैगाम मैं पूरी दुनिया की इंसानियत को ये देना चाहता हूँ कि दुनिया का हर इंसान चाहे किसी मज़हब किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है वो त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के साथ गले मिलता है, एक दूसरे को मिठाइयाँ मांगता है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। ये पैगाम हमारा सिर्फ त्योहारों तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि ये प्यार मोहब्बत अमन शांति वाला पैगाम ये सारी ज़िंदगी चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम ज़िंदगी गुजारते रहें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस ईद अज़हा के मौके पर तमाम दुनिया के लोगों को अब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये ईद हर तरह हर साल ऐसे ही खुशियाँ लाए और ख़ास करके मैं जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं मैं कहता हूँ हमारी स्टेट में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो और हमें एक दूसरे के साथ बगैर ज़ात पात के एक दूसरे के साथ हमदर्दी हो और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ और हमारी स्टेट के ख़ास करके हालात ठीक हों और यहाँ लोग जैसे पहले रहते थे उसी तरह कुछ लोगों के साथ हैं। इस पर क्या कहना है, इस पर तो पॉलिटिकल इशू ही बोलेंगे, हमने क्या बोलना है, हमने तो ईद के मौके पर ही बोलना है। कश्मीर से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हर किसी को दिल की गहराई से ईद मुबारक पेश करता हूँ और बरसगीर में भी जितने भी मुसलमान सभी परेशान हैं उनके लिए अमन और सुकून की दुआएं मांगी है मुफ्ती साहब ने भी और हम भी चाहते हैं कि अमन और सुकून की ज़िंदगी फिर बहाल हो जम्मू एंड कश्मीर रियासत जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी जो हालात हैं हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाल्लाह यही उम्मीद करेंगे कि हर जगह अमन और सुकून की शांति हो और ईद अच्छी तरह से हर जगह मुसलमान हर जगह मनाए और इसके बावजूद जो हमारे यहाँ कश्मीर में अभी हालात हैं हम यही उम्मीद रखते हैं कि हर टाइम जैसे कि हालात इस टाइम है वो बहाल हो, अच्छी ज़िंदगी अच्छी पुरमन हो, जात पात धर्म शर्म खत्म हो, एक यकजती हो, एक साथ हो, एक अमन हो और फिर से वही ज़िंदगी वही जन्नत कश्मीर हो। जी हाँ, देखा आपने कि किस तरह से अगर जम्मू की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के जो तमाम लोग थे वो यहाँ ईदगाह जम्मू में इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने जो ईद की नमाज़ थी वो अदा की। आपको बता दें कि हर एक जो यहाँ पर मुसलमान समुदाय के लोग थे जो यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा करने आए थे उन्होंने जो खुशहाली जम्मू कश्मीर में आए उसको लेकर दुआ जो है वो मांगी। आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हालात बने थे उसके बावजूद हज़ारों की संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इस ईदगाह में इकट्ठे हुए और उन्होंने जो ईद की नमाज है वो यहाँ पर अदा की। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी भारी बंदोबस्त जो थे वो वहाँ पर किए गए थे और जब लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इस रियासत की जो खुशहाली है और हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए जो खुदा है उससे ये दुआ मांगते हैं। रवि शर्मा, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू।